हेलो एवरीवन वेलकम टू दिस चैनल आने के एजुकेशन पॉइंट माइसेल फीना टक्कर और आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हमारी मार्कशीट होती है ग्रेजुएशन की राइट right? तो ग्रेजुएशन के अंदर ग्रेड्स होते हैं उस ग्रेड को कैसे कैलकुलेट करना होता है परसेंटेज में उसको लिए मैं एक एक चीज़ आप लोगों के साथ बताऊंगी कैसे किस तरीके से होता है वीडियो को एंड तक देखें बिल्कुल ये भी स्किप नहीं करें ये एग्जाम का रोल नंबर नेम फादर्स नेम एनरोलमेंट नंबर मैंने हाइड किया क्योंकि ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट की वो शेयर नहीं कर सकती है कोर्स का नेम आपका लिखा रहेगा बी प्रोग्राम है या ऑनर्स है जो भी हो लिखा रहेगा सेमेस्टर सेकंड है, है इसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों दिखा रही हूँ मैं जैसे जैसे रिजल्ट डिक्लेयर होता जाएगा वैसे वैसे आप लोग ये इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं अपने फोन में भी रख सकते हैं ये ऑनलाइन ही आता है इसके लिए आपको कोई सोल या फिर इसके लिए आपको डेली यूनिवर्सिटी जाने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि ये ऑनलाइन ही आ जाता है और जो आपकी प्रॉपर जो मार्कशीट होती है वो आपको तभी प्रोवाइड की जाती है जब आपके जैसे इस बार असिमेंट हुआ है प्लस थ्योरी पेपर हुए हैं अगर दोनों में क्लियर है आप लोग सारे के सारे थ्योरी में और सारे के सारे असिस्मेंट में तो ही आपकी फाइनल मार्कशीट बनती है जो कि आपको डिग्री कंप्लीट होने पे ही मिलती है अदरवाइज ये आपका ऑनलाइन अपडेट देता रहेगा प्रिंट आउट आप निकाल सकते हैं जैसे ये स्टूडेंट का बी कॉम ऑनर्स था तो इनके चार सब्जेक्ट थे फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर कोर वाले दो थे ऊपर ठीक है जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग था बिजनेस लॉ था इंग्लिश था जैसे जिनके स्टूडेंट सात सब्जेक्ट है वो सात ऐसे लिखे हुए रहेंगे यहाँ पे पेपर का कोड लिखा रहेगा क्रेडिट यहाँ पे लिखे रहेंगे कितने क्रेडिट है सेमेस्टर बताएगा फर्स्ट का ये चार सब्जेक्ट है सेकेंड वाले नीचे दिए गए तो यहाँ पे बताया गया है कि क्या क्या है मतलब आउटस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे ओ लिखा रहेगा और एक्सीलेंट के लिए ए प्लस लिखा रहेगा वेरी गुड ए माना जाएगा बी प्लस को गुड माना जाएगा और एवरेज के लिए बी सी के लिए एवरेज डी के लिए फेल और एफ का मतलब है फेल अगर आपका ग्रेड जो पॉइंट है नेट ग्रेड जो है यहाँ पे अगर एफ़ लिखा है जैसे स्टूडेंट का एफ नहीं लिखा दैट मीन्स ये सब में क्लियर है अगर एफ़ लिखा है इसका मतलब वो फेल है पास नहीं है उनको वो पेपर दोबारा देना पड़ेगा ए बी लिखा है तो दैट मींस एबसेंट है वो पेपर देने नहीं गए थे एन ए लिखा है, तो मतलब नॉट अवेलेबल होगा ठीक है ये चीज़ तो आपको क्लियर होती होगी उसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ बताऊँ कि स्टूडेंट के यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर के मार्क्स थे सेकंड से, के यहाँ नीचे दिए गए जैसे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग था कॉर्पोरेट लॉ था इन्वायरमेंटल साइंस और यहाँ माइक्रो इकोनॉमिक्स था इस तरीके से दिए गए और यहाँ पे ग्रेड्स दिए गए हैं ए प्लस इस तरीके से दिए गए ज़्यादातर इनके जो ये स्टूडेंट है इनका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है बट इनके जो इंग्लिश में एग्जामिनर ने हो सकता है कि ज़्यादा नंबर काट ली हूँ और मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी इकोनॉमिक्स में तो ज़्यादातर बच्चों को फेल कर दिया जाता है बट ये स्टूडेंट पास है और मैं यही कहना चाहूँगी इकोनॉमिक्स को बिल्कुल भी ऐसा मत समझिए कि बस हो जाएगा इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं आसान लगता है लेकिन एग्जामिनर ज़्यादातर बच्चों को फेल कर देता है और कम मार्क्स देता है क्यों क्योंकि बच्चे जल्दी में कर बना देते हैं शेड्यूल बनाते नहीं है बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होती जिसके वजह से फेल कर देते हैं बट ये स्टूडेंट ऑल में क्लियर है यहाँ पे इस तरीके से सेमेस्टर फर्स्ट का यहाँ टोटल क्रेडिट लिखे गए टोटल क्रेडिट पॉइंट्स भी लिखे गए और यहाँ पे बताया गया है कि एस जी पी ए लिखा गया है यहाँ पे रिजल्ट या सी जी पी ए लिखा है सी जी पी ए आप लोगों को पता ही होगा पहले आप लोगों ने टेंथ में अपनी परसेंटेज कैलकुलेट करी होगी लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को बताती हूँ कि किस तरीके से कैलकुलेट करना है यहाँ पे कुछ नोट दिएगा जो मैं आपको पढ़ के समझाऊंगी दिस इज वेब बेस्ड स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स ग्रेड एंड वैलिड फॉर ऑल द ऑफिशियल पर्पज जितने भी ऑफिशियल परपजेज हैं जैसे कि किसी को जॉब ज्वाइन करनी है या जिसको लगता है कि कुछ कुछ एंट्रेंस ऐसे होते हैं जिसमें वो परसुंग में दिखा सकते हैं ग्रेजुएशन को तो वहाँ पर मार्कशीट चल जाएगी ठीक है स्टूडेंट ऑफटेनिंग ग्रेड एफ और ए बी शल बी कंसिडर फेल इन दैटर सब्जेक्टेंट का एग्जामिनेशन साइकिल के अकॉर्डिंगली वो पेपर दोबारा से रीअपेयर करना पड़ेगा देना पड़ेगा उसके बिना डिग्री पूरी नहीं मानी जाएगी स्टूडेंट हैज टू पास दर टू बिकॉम एलिजिबल फॉर डिग्री एज पर एग्जामिनेशन साइकिल फ़ाइनल परसेंटेज अगर आपको निकालनी है तो उसके लिए आपको क्या करना है जैसे बहुत सारे बच्चे हैं उसमें कंफ्यूज रहेंगे कि मैम अंडर ग्रेजुएशन जो है हम लोग कर रहे हैं लेकिन पीजी अगर हम करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन अगर हम लोग करेंगे तो हम लोगों को कैसे हम लोग यहाँ पे तो ग्रेड दिए गए हैं लेकिन हम कैसे परसेंटेज निकालें क्योंकि ज़्यादातर फिफ्टी मांगा जाता है या फिफ्टी फाइव भी मांगा जाता है वो डिपेंड करता है आप किस कॉलेज में किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं ठीक है तो उसको कैसे कैलकुलेट करना मैं आपको बता रही हूँ जो भी आपका सी दिया गया दिए ठीक है जितने भी सेमेस्टर का टोटल ऑल ओवर दिया गया है उसमें से उसको आपको मल्टीप्लाई कर देना नाइन पॉइंट फाइव से ठीक है आपकी टोटल परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगी ठीक है इतना काम करना है जितना भी सी जी पी आएगा इंटू नाइन पॉइंट फाइव करना आपकी परसेंटेज निकल आएगी उसके बाद यहाँ बताया गया था इनफॉर्मेशन प्रोवाइड इन द मार्कशीट विल बी यूज फॉर द प्रिंटिंग ऑफ डिग्री सो स्टूडेंट आर एडवाइज टू इंश्योर दैट ऑल द इनफॉर्मेशन प्रोवाइड इन द मार्कशीट आर करेक्ट मानी जाएंगी करेक्शन अगर कुछ होती है कि स्टूडेंट को लगता है कि कुछ गड़बड़ है तो वो जो है अपने डिपार्टमेंट या कॉलेज से बात कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग सो so, मैंने आपको सारी सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर देने की कोशिश की थी सारा का सारा समझा दिया है सो so, एक एक चीज क्लियर कर दी है सो so, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ थैंक यू सो मच